जय माँ काली। दोस्तों, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे कोलकाता के काली घाट मंदिर का दर्शन करने का आज सुबह मौका मिला। मैं आपको इस मंदिर की महत्ता के बारे में बताता हूँ। ये मंदिर जो है देश के 51 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है और उसमें भी इसका विशेष महत्व है। पहले मैं आपको मंदिर के का बाहरी इलाका, चूँकि मंदिर में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की इजाज़त नहीं है, तो बाहरी इलाके को दिखाता हूँ और बाहर कैसा भक्तिमय माहौल है। और लोग, आज रविवार का दिन है, बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत अच्छा लगेगा। ये जो मंदिर का जो गुंबद दिख रहा है वही काली घाट का मंदिर है, माँ काली का। और ये वो गली है जहाँ से भक्त आते हैं, कई 3-4 तरफ से रास्ता है जहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं। इस जगह पे फूल प्रसाद वगैरह लेते हैं। तो चूँकि मंदिर के आसपास भीड़ ज़्यादा है, तो मैं आपको थोड़ी सी दूरी पे जाके और दूर से दर्शन कराता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ये जो मंदिर है उसके दर्शन मात्र से, ऐसा कहा जाता है कि उसके दर्शन मात्र से लोगों को माँ काली का आशीर्वाद मिलता है, उनकी कृपा बनती है। इस मंदिर का 200 साल पुराना इतिहास है। ये जो अभी जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये 1798 में बनना शुरू हुआ था और 11 साल लगे थे और 1809 में बन के तैयार हुआ था। ऐसी मान्यता है कि माता सती के अंग यहाँ पे गिरे थे, दाहिनी पैर का उनका अंगूठा गिरा था। इसको देश का सबसे प्रसिद्ध सिद्ध मंदिर, सबसे ज़्यादा सिद्ध मंदिर माना जाता है। इस मंदिर में जो अंदर प्रतिमा है, मैंने अभी उसका दर्शन किया क्योंकि आँखें दिख रही थी उसमें और इतनी भीड़ थी कि बहुत ज़्यादा दर्शन के लिए आपको वक्त नहीं मिलता है। तो वो किन्हीं कामदेव ब्रह्मचारी जी ने इसकी प्रतिमा की प्रतिष्ठा की थी, जो माँ काली हैं उनको देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इन्हीं माँ काली के नाम पर कोलकाता नाम पड़ा है, पहले कालीकता, कैलकाता, कोलकाता। और ये मंदिर जो है बहुत पहले हुगली नदी के किनारे हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे नदी यहाँ से खिसक गई। अब जो है एक नहर है, उसको आदि गंगा नहर कहते हैं, उसके किनारे है। तो अभी मैं उसी नहर की ओर बढ़ रहा हूँ। पहले जैसा मैंने बताया कि ये हुगली नदी के किनारे था। ये जो जगह है वो आने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हावड़ा जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से 10 किलोमीटर है और जो एयरपोर्ट है वहाँ से 25 किलोमीटर है। तो मैं आपको नहर तक ले जाता हूँ, वहाँ भी कुछ मंदिर हैं, पूजा पाठ होती है, वहाँ पे जाके मैं इस वीडियो को समाप्त कर दूँगा। कोलकाता में कई प्राचीन मंदिर हैं जिनमें ये सिद्ध काली माता का मंदिर भी है। बस थोड़ी दूर पे मैं नहर के किनारे आ चुका हूँ। मैंने एक साइड से आपको ये मंदिर दिखाया, ये दूसरी साइड से, मैं जो प्रवेश किया था वो उसका दूसरा साइड था, लेकिन मैंने इस साइड इसलिए चुना ताकि आपको नहर भी दिखा दूँ कि इसकी भी महत्ता है। हालांकि अब ये नहर जो है
उसमें मुझे काफ़ी गंदगी दिखी, लेकिन श्रद्धा श्रद्धा होती है, उसकी मान्यता है, इसलिए लोग आते ही हैं यहाँ पे। हाँ, ये देखिए वो नहर है, देखिए ये घाट है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पे भी मैंने देखा कि वो जो पंडा सिस्टम है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो यहाँ भी था कि आपको कुछ पैसे दे के आपको जल्दी दर्शन करा देते हैं, अन्यथा लाइन में आपको लगनी पड़ेगी। लेकिन मैं दर्शन के लिए आया था तो लाइन में लगना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस सिस्टम से थोड़ी दिक्कत आ जाती है। खैर, इससे माँ की महिमा में कोई अंतर नहीं आता है। तो मैं आपको कोलकाता में और भी दक्षिणेश्वर मंदिर का भी दर्शन कराऊंगा, और आज ही शाम में शायद मैं बेलूर मठ भी जाऊं। तो मेरे साथ बने रहिए, आपको कोलकाता की अच्छी अच्छी जगहों की सैर कराऊंगा, यहाँ की ऐतिहासिक जगह की सैर कराऊंगा, उसकी महत्ता बताऊंगा। फ़िलहाल नमस्कार।